दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के छोटे प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी इंडस्ट्री में हमें जितने नई कहानियों के साथ सीरियल देखने को मिले हैं, उतनी ही अभिनेत्रियां भी देखने को मिली हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज को पर्दे पर पेश करते हुए दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है। जिनमें से कुछ अभिनेत्रियां इन दिनों भी अपने किरदारों को निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें बटोर रही है, जिनके एक्सप्रेशंस और सादगी की तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों के बारे में नहीं बल्कि इनके रियल लाइफ फादर से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि इनसे बेहद ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब कामयाब भी है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां और उनके रियल लाइफ फादर्स। नंबर वन, ऐश्वर्या खरे। इन दिनों टीवी सीरियल भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी की मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे अपने इस किरदार के साथ दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बनती जा रही है, जिन्हें इस किरदार में बेहद पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ फादर के बारे में, तो इनके पिता का नाम रवि खरे है, जो प्रोफेशन से एक भजन सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं और ये आज भी अपनी इस फील्ड में सक्रिय है और जागरण में जाकर भजन गाया करते हैं। इसके अलावा इनका अपनी बेटी के साथ भी काफी अच्छा रिश्ता है। नंबर टू, मौनी रॉय। नागिन और देवों के देव महादेव में जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अपनी मुख्य भूमिका निभाने के बाद आज बड़े पर्दे का भी एक जाना माना नाम बन चुकी हैं अभिनेत्री मौनी रॉय। आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ फादर के बारे में, तो इनके पिता का नाम है अनिल रॉय, जो की फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, जिनके पिता को गुजरे हुए आज करीब 8 साल बीत चुके हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पिता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे और ये अपना फैमिली बिजनेस भी संभालते थे। नंबर थ्री, करिश्मा सावंत। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही का किरदार निभाकर अपने करियर को हरी झंडी दिखाने वाली अभिनेत्री करिश्मा सावंत ने अपने इस किरदार के साथ पर्दे पर दस्तक देते ही दर्शकों से खूब वाहवाही लूटनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर बात करें इस बेहतरीन अदाकारा के रियल लाइफ फादर के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पिता लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और एक यही वजह है गूगल पर इनके पिता के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर फोर, सुरभि ज्योति। सीरियल कबूल है और नागिन 3 जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री सुरभि ज्योति लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के रियल लाइफ फादर के बारे में, तो इनके पिता मिस्टर ज्योति लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं और एक यही वजह है कि गूगल पर हमें इनकी रेयर तस्वीरें ही देखने को मिलती है। नंबर फाइव, दिशा परमार। बड़े अच्छे लगते हैं 2 सीरियल के साथ एक बार फिर पर्दे पर दस्तक दे चुकी अभिनेत्री दिशा परमार इन दिनों दर्शकों द्वारा खूब तारीफें बटोर रही है, जो कि अपने इस सीरियल से पहले भी कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रह चुकी है। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ फादर के बारे में, तो इनके पिता का नाम अशोक परमार था, जिनका साल 2017 में ही निधन हो गया था। इनके निधन की वजह एक बड़ी बीमारी बताई जाती है, जिससे ग्रस्त होकर इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर बता दें कि इनके पिता एक बिजनेसमैन थे और अपने इस फील्ड में काफी सफल भी थे। नंबर सिक्स, प्रणाली राठौर। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षय के किरदार के साथ दर्शकों का दिल जीत रही अभिनेत्री प्रणाली राठौर इतने कम समय में ही दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई है, जिनके सादगी भरे अंदाज की लोग तारीफें करते हुए थकते नहीं हैं। वहीं अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के रियल लाइफ फादर के बारे में, तो इनके पिता का नाम सुरेश राठौर है, जो की प्रोफेशन से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लेक्चरर है, जो कि मुंबई के लोकमान्य विद्या मंदिर में काम करते हैं। वहीं बात करें प्रणाली राठौर के साथ इनके पिता के बॉन्ड की, तो दोनों के बीच बाप बेटी से ज्यादा एक बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता है, जो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मजाक भी करते हैं। वेल दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों की तरह आपका अपने पिता के साथ किस तरह का रिश्ता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।